दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम HDFC बैंक स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेड करके कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में सिंपल एंड इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको हर दिन शाम 6 बजे इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छा काम दे रहा है, मैंने उसको खुद बैक टेस्ट करके देखा है, लेकिन फिर भी आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके इस पे काम करने से पहले खुद एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, 2-3 हफ्ता पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको सही रिजल्ट मिल रहा है तो अभी दोस्तों आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके इस पे काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों HDFC स्टॉक के अंदर कैसे हमको एंट्री करना है, किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना है, ये स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 15 मिनट सिलेक्ट करके रखा है और ये लेवल के आसपास आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो बेसिकली 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को लेके हम ये 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कैसे एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के इसी HDFC बैंक पे काम कर पाएंगे उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों हमको इसी स्ट्रेटेजी पे जो पोजिशन लेना है 12:15 के बाद ही हम पोजिशन बनाएंगे और देखिए 12:00 तक हमको कुछ भी इस पे टच नहीं करना है। 12:15 के बाद हम देखेंगे मार्केट किसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए 12:00 से लेकर 12:15 के आसपास ये रेड कलर का कैंडल फॉर्म किया, लेकिन देखो अगर मार्केट ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे रेड कलर का कैंडल फॉर्म कर रहा है, रेड कलर का कैंडल मतलब क्या है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन यहाँ पे मार्केट 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ रहने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने वाला है। लेकिन अभी मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ, इसीलिए हम ये लेवल के आसपास अभी कोई भी पोजिशन नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने की, कैंडल जब कन्फर्मेशन देगा उसके बाद हम हमारी पोजिशन बनाएंगे। तो देखिए उसका नेक्स्ट कैंडल के आसपास अगर आप देखोगे ये लेवल के आसपास ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया है, तो इसीलिए ये कलर का कैंडल फॉर्म करने के बाद इसका क्लोजिंग पे हम हमारी पोजीशन बनाएंगे। तो ये बाइंग के ऊपर मैंने आपको शेयर किया कि बाइंग के ऊपर हमको कैसे ट्रेड लेना है, जैसे सेलिंग के ऊपर अगर मार्केट 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है हमको एंट्री 12:15 के बाद लेना है। और एंट्री कब लेना है, जब कोई भी कैंडल 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिना टच किए उसके नीचे ओपन होके नीचे क्लोजिंग दे देता है। अगर ऐसे रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न ये लेवल के आसपास ऐसे फॉर्म होता है तो हम उसी दिन इसके ऊपर सेलिंग के ऊपर पोजिशन बना के जाएंगे और इस पे जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेना है 1:1 के हिसाब से आप इस पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके जाओगे। तो इसका लॉट साइज है 550 के आसपास, तो ये 1:1 के हिसाब से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, अगर आपको 4 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो 515 × 4 करके जो भी रिजल्ट आएगा उसका होगा आपका प्रॉफिट, अगर उतना लॉस मिल रहा है तो ये होगा आपका लॉस। इसीलिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉपरली हमको फॉलो करके जाना है। दोस्तों ये मैंने फ्यूचर चार्ट के हिसाब से 550 क्वांटिटी उसका लॉट साइज बोल रहा हूँ, आप एक ही क्वांटिटी लेके स्टॉक के अंदर या स्पॉट के अंदर भी काम कर सकते हो। तो देखिए इस पे हमको एंट्री ये दिन ये लेवल के आसपास आया था, तो इस पे हमको स्टॉप लॉस किस लेवल के आसपास रखना है, स्टॉप लॉस हमको 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे रखना है और नीचे रखने का टाइम पे हमको चेक करना है क्या किसी स्विंग लो के आसपास ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे स्विंग लो अगर आप देखोगे स्विंग लो इसी लेवल के आसपास आ रहा है, बेसिकली ये लेवल के आसपास आने के बाद हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। स्विंग लो किसको बोलते हैं, जिस लेवल के आसपास जनरली सपोर्ट देखने के लिए मिलता है उसको स्विंग लो बोलते हैं, और स्विंग हाई किसको बोलते हैं, जिस लेवल के आसपास जनरली रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है उसको स्विंग हाई बोलते हैं। तो हमको स्विंग लो फाइंड आउट करना है और ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से थोड़ा नीचे स्विंग लो के आसपास हमको स्टॉप लॉस लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा
ये 1676 लेवल के आसपास, और एंट्री कहाँ कर रहे हैं 1680 लेवल के आसपास, तो लगभग 4 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस मिल रहा है। इसलिए 4 पॉइंट ऊपर की तरफ हम टारगेट लेके जाएंगे तो 1684 लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो देखो इसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो गया, और इसका लॉट साइज है 550। अगर आप 550 के हिसाब से 4 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते हो 2200 रुपीस के आसपास आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस पे सेलिंग के ऊपर कैसे पोजीशन लेना है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जो भी पोजीशन ले रहे हो प्रॉपरली मार्केट का रिस्क को समझ के आपको काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दिन मार्केट 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है 12 बजे से लेकर ये देखो 12:15 के आसपास, ये लेवल के आसपास कैंडल फॉर्म किया था और ये रेड कैंडल फॉर्म किया था, इसीलिए आप इसी लेवल के आसपास सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, देखो ये बेसिकली 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो देखो स्विंग हाई ये लेवल के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे लगभग देखो 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको रिस्क आ रहा है। अगर आप 10 पॉइंट रिस्क उसी दिन ले पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। और देखो इसी लेवल से अगर आप डाउनसाइड देखोगे, डाउनसाइड 10 पॉइंट के आसपास आपकी टारगेट रहेगा, मतलब 1635 लेवल के आसपास। तो देखो ये बेसिकली 1638 के आसपास आने के बाद फिर आपका जो सेलिंग पोजिशन है सेलिंग लेवल को ही आके क्लोजिंग दिया है, तो आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट इस पे निकलोगे। लेकिन देखो इस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, अगर आप ये लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये लेवल के आसपास आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाओगे। लेकिन ये जो रिस्क आ रहा है ये रिस्क को आपको समझना पड़ेगा, इतना रिस्क अगर आप लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी पे एंट्री कीजिएगा। इसलिए एंट्री करने से पहले रिस्क को समझना जरूरी है। तो ये काफी अच्छा काम दे रहा है, आप अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके जाओगे 2000 से लेकर 3000 रुपीस के आसपास एक डिसेंट इनकम आप हर दिन इस पे जनरेट कर सकते हो।